नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। The sound of inner peace, relaxing jigs or meditation. Sound of inner peace. सीधे बैठे बुद्ध के समान, पीठ सीधे रखे, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मेडिटेशन पोजीशन में बैठे, गाढ़ा विश्वास रखें, मन को साफ करने के लिए हर दिन हर सुबह एकांत में एक छोटे से मन को कंट्रोल करने के लिए आप मन की गहराई के, मन को शांति के लिए द साउंड ऑफ द इनर पीस मेडिटेशन करना है। नेचुरल सांस पर कंट्रोल, आपके दिमाग पर कुछ डेली के रूटीन जो आपको तकलीफ दे रहे हैं सभी आ रहे हैं, आज की सुबह उन विचारों को कंट्रोल करने के लिए, उन विचारों पर तोड़गा निकालने के लिए साउंड ऑफ द इनर पीस को सुनकर मेडिटेशन करना। मन के हर विचार बीमारी के जड़ होती है, आप पवित्र विचारों के साथ
आपके मन को कंट्रोल करना है। आपके हाथ से कुछ अगर गलतियां भी हों उसे हमें सुधारना है। आपका शरीर पवित्र है, आपका मन पवित्र है, आप पवित्र मन से हर बातें करना चाहते हैं। आप स्वास्थ्य को काउंट करो, नेचुरल स्वास्थ्य पर ध्यान दो। ये साउंड आपके विचारों को नष्ट करता है। नदी में बैठे हुए पहाड़ी से निकल रहे पानी के समान मुख्य विचार है। कुछ गलत हो जाए तो डर पैदा होता है। मनुष्य प्राणी है, सच गलत अपूरा अभ्यास मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है। अपने विचार को शुद्ध करने के लिए क्या आपने मन देखा है? किधर है मन? लेफ्ट साइड में है मन, वो तो हार्ट है, वो तो रक्त शुद्ध करने के लिए है। अपनी क्रिया करता है, जैसा खाऊंगे शुद्ध आचरण पाऊंगे, जैसा विचार करूंगे वैसे ही शुद्ध आचरण। हर के प्रति प्रेम प्रज्ञा से भरा हुआ है। प्रेम और प्रज्ञा इनका मिलाप होना चाहिए। प्रेम के साथ प्रज्ञा होना चाहिए। प्रज्ञा के साथ शील होना चाहिए। शील के साथ करुणा होना चाहिए। मन के साथ प्रज्ञा, मन के साथ शील, मन के साथ करुणा। मन प्रज्ञा शील करुणा इन सब का ही मिलाप है मैत्री, फ्रेंडशिप। हर के साथ फ्रेंडशिप होना चाहिए। प्रेम में शुद्धता होना चाहिए। क्या हमारा मन
ब्रेन में फंसा हुआ है। क्या ब्रेन को आप जानते हैं? हम ब्रेन का उपयोग टक्केवारी में 2 ही टक्के के ऊपर नहीं पहुंच सकते, उसे हमें कंट्रोल करना है। आवक के अनुसार खर्चा, ब्रेन की आवक बढ़ाना चाहिए। जितना ब्रेन चलाऊंगे उतना फायदा। मन में अनेक विचार आते हैं, विचारों को कट करते हुए शुद्धता के विचार पर हमें जाना है। Sound of the inner peace, relaxing music for the meditation. आपने अपने मन को पकड़ लिया है। मन वासना के तरफ दौड़ता है, वासना मन को खराब करती है। एक छोटे से आकार की वासना अशुद्ध बना देती है। भटकती हुई वासना सब्जियां को काटते हैं, उसी तरह वासना पर कंट्रोल होना चाहिए, उसको कट करना चाहिए। आँख और दिमाग पर कंट्रोल होना चाहिए। ये आँखें बहुत बुरी है, बुरी आँखों को बंद करके रखिए। आँखों में शुद्धता लाइए। आँख कान और पर्श इसे कंट्रोल करें। आंखों पर कंट्रोल, कानों पर कंट्रोल, मुंह पर कंट्रोल, कम बोलो, शुद्ध बोलो, सत्य बोलो। सत्य को डर नहीं, सत्य को आठ नहीं। Thank you.
हमारा विश्वास जागृत होता है। हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। इसलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी रहे। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां परछाई की तरह आपके हाथ चलती है। आपका मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और वही मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। जो समाज सत्य स्वीकार ता नहीं, वो समाज कभी भी प्रगतिशील होता नहीं। असत्य समाज का व्यवस्था गुलाम होता है। संस्कार यानी खुद के मन पर ताबा और दूसरों के दुख की जानी। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्ती यहां जलाया जा सकता है, जिस तरह से एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्ती को जलाया जा सकता है फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती।
खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जितनी हम खुशी लोगों को दे सके, यही हमारा प्रेम है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। मन को कंट्रोल हमारे हाथ में है। ना इसे पैसे लगते हैं, ना इसमें विचार लगते हैं। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है, तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश दो। दूसरों पर विश्वास करने के बजाय स्वयं पर विश्वास करो। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी के वर्तन में जियो। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है,
एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। अपने विचार से हम लोग अपने दुनिया को निर्माण कर सकते हैं। सुख मिलाने का ऐसा कोई भी रास्ता नहीं, उससे ज्यादा खुश रहना यही एक रास्ता है। धम्म शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मन शुद्ध तन शुद्ध, Come on.
धम्मं शरणं गच्छामि।